इन दिनों झारखंड में लगातार नक्सलियों का तांडव देखने को मिल रहा है। कुछ दिन पहले झारखंड के बूढ़ा पहाड़ में लैंड माइंस को लगाया था। इसके पहले गिरिडीह जिले में नक्सलियों ने ब्लास्ट कर पुल और मोबाइल के टावर को क्षतिग्रस्त किए थे। झारखंड के गिरिडीह में नक्सलियों ने रेलवे ट्रैक में ब्लास्ट कर दिया है। नक्सलियों ने नई दिल्ली से गया धनबाद होकर हावड़ा जाने वाले रेलखंड को निशाना बनाया है। इस रेलखंड में झारखंड के गिरिडीह जिला अंतर्गत सरिया पुलिस स्टेशन क्षेत्र के चिचाकी और चौधरी बांध के बीच में अप और डाउन ट्रैक पर विस्फोट किया है। विस्फोट से पटरी क्षतिग्रस्त हुई है। नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के टॉप लीडर प्रशांत बोस और उनकी पत्नी शीला की गिरफ्तारी के बाद से ही नक्सली संगठन गुस्से में है। नक्सली संगठन द्वारा इनकी गिरफ्तारी के बाद दो बार बंद का आह्वान किया जा चुका है। इससे पहले भी अपने नेता की गिरफ्तारी के विरोध में बरका काना लातेहार रेलखंड पर धमाका कर रेल परिचालन को प्रभावित किया था। 7 बजे से हम लोग अलर्ट पोजीशन में थे। समय करीब 12:30 बजे जो हमारा गैंगमैन है उसने रिपोर्ट करा कि यहाँ पे बहुत तेज धमाका सुनने में आया है। तत्काल सारी ट्रेनों को रुकवाया गया और उसके बाद उनके द्वारा ट्रैक सर्च किया गया, तो यहाँ पर आने के बाद जो 334 नंबर किलोमीटर है इस पे एक्सप्लोजन हुआ है और ब्लास्ट हुआ था, और जिससे कि जो अप डायरेक्शन की ट्रैक है वो डिस्टर्ब हुई थी। उनके स्लीपर्स दाएं बाएं हो गए थे, कुछ पेंडल क्लिप्स भी खुल गए थे, तो ट्रैक कंसेप हो गया था। बाद में यह भी पता चला कि यहाँ पे नक्सलियों ने एम्बुश लगा रखा था, तो पुलिस को सूचना दी गई और CRP और सब लोग इधर ही पेट्रोलिंग कर रहे थे। उसके बाद में एहतियात बरते हुए फिर इस जगह पे तमाम कार्रवाई हुई है और फिर ट्रेनों को चलाया गया 6:30 बजे सुबह से। सर कितनी देरी रेल यातायात जो है वो बाधित रही? रेल यातायात 12:30 बजे से लेकर करके सुबह 6:30 बजे तक 6 घंटे बाधित रही। नक्सलियों की कुछ संख्या। खबरें और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए कड़वा दृष्टि YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।